साहब जो है ना ये लविंग बर्ड पकड़ के लेके आए हैं ऑस्ट्रेलियन तोता जो है। अब हमारे पास तो जगह कोई नहीं है, रेस्क्यू से कर ली है। अब साथ वाले जो है ना शायान लोग, शायान लोग को जो है ना उनको गिफ्ट करते हैं जाके। हमको दे रहे हैं, उनके पास दो है ना, चलो ये भी कुछ ले गए थे तो ये लगा हुआ है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज ये 18 रमज़ान की होती है, अफ्तारी फिर भी सही होती है सर, बिल्कुल ऐसे सर से हम करते हैं। देखने हमारी कोई पराठा नहीं हम खाते सहरी में, सालन या अंडा जो भी किसी को, कोई नहीं पाए नहीं 18 दिन गुजर गए, ऐसी कोई चीज़ हमने नहीं खाई। ये भी सालन है जो आज बनाया था, रात को तो खाया नहीं है ना। यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं सहरी के, सहरी करना भी स्वभाव है जी, तो असली रोजा तो नहीं रहता, मगर सहरी तो करता है, कहता है मैं सिर्फ आधी रोटी खाऊंगा तो चलो स्वभाव ले लेता है। ये भी नायाब बकायद से जो है ना वो हमारे साथ चल रही है। तो आप भी करें सहरी, हम भी करते हैं सहरी। अब खाना ठंडा हो रहा है, खाने में इंतजार नहीं करवाना चाहिए, तो चले वहाँ पे देखें जैसीन क्या कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, ये है जी नायाब अनवर, है ना? कैसी हो नायाब? ठीक हो? हमेशा की तरह खुशबाश, कोई काम नहीं करनी। तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, अब मेरी तबीयत बेहतर। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। नायाब अभी मैं चो के उठी हूँ। कौन नहीं सोने देता आपको? लहबा। लहबा नहीं सोने देती, फिर इसका क्या करें? सोने नहीं देती, सोने नहीं देती, मैं सो गई थी, बाकी बात सो गई थी भी मैं। आप ज़्यादा सोती हैं ना, इसलिए नहीं सोने देती कि उठ के थोड़ी देर घूमे फिरे। आप तो 24 घंटे में, मेरे घर में 20 घंटे तो सोती हैं, 4 घंटे मुझे नहीं लगता 4 घंटे भी उठती है। इसमें मैं सोने भी नहीं दिया मुझे, ज़्यादा देर नहीं सोते, फिरते टूटते हैं। अच्छा चलो फिर, कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। देखें जी रोज़ा रखा है, फ्रेश फ्रेश है नायाब, बिल्कुल ऐसे है माशाल्लाह। ये शौक से रखती है जी रोज़ा, इसको ना रखवाएं तो ये लड़ती है हमसे, रोज़ा कौन रखवाया उस वो उसमें डालना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो यासीन? ठीक हो? ठीक ठाक। आज छुट्टी थी, काम पे गए थे? नहीं आज काम पे गया था। अच्छा ये आज काम पे गया था जी, आज ये बैरिया गए मेरे घर में ना, बैरिया गए हैं उनके साथ, वहाँ पे काम था, यहाँ पे काम खत्म हो गया। यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये बैरिया था से तो उस्ताद की रात को वो कार के आ जाते हैं घर से, तो वो सो जाते हैं, हम दो लड़के अपने एक चट्टी का एयर इतना है। अच्छा हम दोनों जाते हैं उधर से, फिर काम खत्म। किस में जाते हो? बाइक पे? बाइक पे जाते हैं। उसके पास बाइक है? हाँ उसके पास बाइक। अच्छा चलो काम दिल लगा के सीख भी ना, ऐसे टाइम ना वेस्ट करना जी। तो चलते हैं जी आप हिरा के पास, हिरा को कुछ खाना शाना खिलाते हैं। और यासीन इसको खोल ना, ये कैंची से काट के लेके आ मेरे पास। ये हिरा का खाना, और यहाँ पे हम अपनी इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। कल हमने फ्रूट चाट जो थी ना वो उस वाली बनाई थी, क्रीम वाली है, राज फ्रूट चाट जो है ना वो वैसी बना रहे हैं सिंपल। ये चना चावल और दही फुल्की हैं। आज सारा कुछ मैंने नहीं बनाया, ये लहबा ने बनाया है, मैं सिर्फ दही भी बना रही हूँ, इसीलिए ठोक कर मसाला डाला है। मैं इतना मसाला नहीं डालती हूँ, मैं खा नहीं सकती। ये फ्रूट चाट कम नहीं है, वैसे थोड़ा चाट मसाला भी है। ये है हीरा नाज। अस्सलाम वालेकुम हीरा, कैसे हो? ए हीरा, हीरा हीरा ने जी अब गुड्डी से आज का जरा कम, ये गुड्डे से खेल रही है बेबी से, तो ज़्यादा देर देखें यहाँ पे, ये कार्टून देख रही है अपने मोबाइल पे, है ना हीरा? मोबाइल पे कार्टून देख रही हो, खुश होती है, इसीलिए यूँ लेटी हुई है, गुड्डे के साथ मोबाइल रखा हुआ है, करीब करें तो वो पकड़ लेती है मोबाइल को। अपने ब्लॉग भी देखती है हीरा। हीरा
कैसी हो हीरा? ठीक हो? एक दो दिनों से आपसे हीरा की मुलाकात नहीं हुई, तो मैंने कहा इसकी मुलाकात करवा दें। अभी थोड़ा सा खाना छाना खाया है इसने, फ्रेश हुई है। ये 24 घंटों में ना आप इसने ना एक टाइम खाना खाना शुरू किया है, तो खाती नहीं है बाकी टाइम, बेशक दे नहीं लेती कुछ भी खाने को, पता नहीं थोड़ी वीक हो गई है पहले से, तो चलो बहुत वेट बढ़ गया था, तो मैंने कहा थोड़ा कम हो जाए, इसके कपड़े से धुलने मरने गुड्डे के। ये बेबी भी है, बेबी भी लोल है, आपका बेबी लोल है हीरा। चले जी अब अफ्तारी का टाइम हो गया, अफ्तारी बनाते हैं, राज मुलाकात हमने करवाई है। यहाँ पे जी ये चिकन विंग है, ये फ्राई हो रहे हैं, इसको स्लो आंच पे कर रहे हैं फ्राई करा लो कि अच्छे से अंदर से इनके ना बेसन वगैरह पक जाए। वैसे तो ये मैंने उबाले हुए हैं, फिर भी ये ना स्लो आंच पे कर रहे हैं। बाकी के ये पड़े हैं, बेसन कम लगाओ, लगा जैसे इसमें डिप करके ना निकाल लो, निकाल के रख दो, बेशक इसका चीज़। टाइम हो गया जी, ये देखें 5:40, बस अभी मार के ये जो फ्राई चीज़ें हो रही हैं इनकी, ये फ्राई होंगी और अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज ये 18वें रोज़े की अफ्तारी है जी, रमज़ान जा रहे थे जिससे पता भी नहीं चल रहा कि कैसे गुजर गए रोज़े, मौसम बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मैं फिर कहूँगी कि ना तो बहुत ज़्यादा है और ना बहुत मुख्तसर है, बस अफ्तारी के बनाई है, ये चिकन विंग है, ये पकौड़े हैं, वो दही फुल्कियाँ हैं और वहाँ फ्रूट चाट है। आज क्रीम वाली फ्रूट चाट हमने नहीं बनाई कि कल बनाई थी, तो फिर हैवी हो जाता है सारा कुछ, तो फ्रूट्स हैं और खजूरें पानी। ये दस्तरखान है, ये डेली का सज रहा है जी, जब से रमज़ान आया 18 दिन हो गए, रमज़ान ख़त्म हो गए तो फिर ये दस्तरखान को नहीं सजना, ये अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह इसलिए वो कहते हैं कि रमज़ान में अल्लाह ताला इंसान का रिज़्क बढ़ा देते हैं। सब लोगों के घरों में ऐसा ही रिज़्क अल्लाह पाक ने ऐसे दस्तरखान बिछाया होगा। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। ये जी यासीन साहब जो है ना, ये लविंग बर्ड प्रोडक्ट लेके आए हैं, ऑस्ट्रेलियन तोता जो है, हमारे पास तो जगह कोई नहीं है, रेस्क्यू से कर ली है, और साथ वाले जो है ना सयान लोग, शाम लोगों को जो है ना उनको गिफ्ट करते हैं जाके, शाम को जो है उनके पास दो है ना, चलो ये भी खुश रहेगा, ऐसे तो ये ज़्यादा हुआ है जा रहे हैं ईद के, तो आपको उनको जो ना दाने वगैरह डाल दें, हम दाने छोड़ जाएंगे। हाँ देख लेंगे। ये अफ्तारी भी अभी हमारे न्यू टेनेंट हैं, उन्होंने जो है ना ये अफ्तारी भेजी है, ये अफगानिस्तान के रहने वाले, उनकी डिशेज हम देखते हैं, उनका कल्चर हम देखेंगे, देखते हैं टेस्ट में कैसा है। मेरी काफ़ी दोस्ती रही है अफगानियों से, बहुत पहले जब आए थे उस वक्त मेरी बहुत दोस्तें थी, मैंने टेस्ट किया हुआ उनका, हर फंक्शन में अटेंड किया हुआ है, और मुझे बहुत देखती थी खाना इस तरह की चीज़ें। प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है सारी चीज़ें, टेस्ट करके भी बता। हाँ चलो टेस्ट भी अच्छा होगा। ठीक है और मैडम डॉक्टर नहीं है, तू तू ना एक कोरा के मैं ना सी बस रहे हैं, मैं सी बता रहे हैं, चलो और ठीक है। इसकी क्या हने है, किसको ये, इसका क्या नाम है, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, चलेंगे अगर किसी को पता तो जी बताएं इसको क्या कहते हैं, हमें नहीं पता। इसमें क्या डाला हुआ है, इसमें अंदर पास्ता वगैरह भी, अच्छी फीलिंग हुई है, मजे का है। बोलता है तो कुछ ना कुछ जो है ना टंग स्लिप कर जाती है, तो
सारी चीज़ें उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मुझे तो वैसे भी अफगानी खानों की आदत है, मैं बहुत यंग एज में मैंने ना इनके मेरी दोस्ती से इनके साथ तो मैंने काफ़ी सारे खाने ट्राई किए, उनके इवेंट ट्राई किए सारे, जाती रही अटेंड किए हुए सारे, तो बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच, उनका शुक्रिया बहुत ज़्यादा। परदेसी लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं तो उन्होंने इस चीज़ हमें भेजी है इफ्तारी, उनका शुक्रिया बहुत, हमें ख्याल करना चाहिए उनका। बाकी जी ये था मेरा व्लॉग आज का, और आपको ज़रूर पसंद आएगा, दुआ में याद रखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए मेरे चैनल को। बहुत मेहनत करते हैं हम, रोज़ा रख के भी मेहनत करते हैं, बच्चे भी मैंने सारे दिखाए हैं बीच में, ज़ाहिर है आप लोगों का रोज़ा होता है, आप भी जो है ना बिज़ी होते हैं, रूटीन चेंज हुई है रमज़ान में, तो दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, जाता हूँ।